मैं जल्दी जल्दी से बताओ थाली में क्या क्या है। तो कृष्ण जन्माष्टमी में भगवान श्री कृष्ण के भोग के लिए बना है ये सब। हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो भगवान श्री कृष्ण का जो बर्थडे आज मिलकर बनाते हैं हम लोग, और क्या क्या पूरे दिन चलेगा वो मैं धीरे धीरे आपके साथ ब्लॉग में शेयर कर दूंगी। शाम के वक्त हमारे यहाँ झांकी लगाते हैं, जैसे 4-5 बजे करीब लगा लेते हैं झांकी। तो झांकी लगा के देन श्री कृष्ण को दोबारा से मैं श्रृंगार कराती हूँ, जो उनका स्पेशल बर्थडे ड्रेस होती है। जैसे कि हमारे घर में बर्थडे होते हैं या बच्चों का बर्थडे होता है, तो हम शाम को उनको रेडी करते हैं ना, दोबारा से तैयार करके सुंदर सी ड्रेस बनाते हैं कि सब लोग आ जाओ बर्थडे पार्टी है। तो ऐसे मैं उनको शाम को तैयार करूंगी। वैसे तो कृष्ण जन्माष्टमी हर जगह बनाई जाती है, लेकिन यूपी में जो कृष्ण जन्माष्टमी की धूम होती है वो मुझे कहीं और देखने को नहीं मिलती। बहुत ही ज़्यादा मतलब जोश होता है लोगों में यूपी में, कहते हैं कृष्ण जन्माष्टमी को लेके, और बचपन से यही सब मैं देखती आ रही हूँ अपने, तो बहुत अच्छा लगता है कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हुए। पहली बार ये झुमकियाँ काम आएंगी पहनने के लिए। इन झुमकियों में येलो कलर का टच भी आ रहा है देखो यहाँ पर, तो बस चल जाएंगे। नहा धो के मैं रेडी हो गई हूँ, क्योंकि अब करने हैं पूजा के सारे काम। जब तक नहा ना लो तब तक पूजा के काम नहीं करते, तो इसीलिए सबसे पहले नहाना ज़रूरी है। पहले आज घर की पूरी सफाई करी, चादरें वगैरह चेंज करी। मैंने आज पता है कि बहुत प्यारी सी कुर्ती पहनी है, फर्स्ट टाइम पहनी है, येलो कलर की कुर्ती है। येलो कलर तो वैसे भी कान्हा जी का फेवरेट है, तो आज मैं दिन में तो यही पहन के रखूँगी, शाम के टाइम साड़ी पहनूँगी। इसके साथ प्लाजो है ग्रीन कलर का। पूजा के सारे बर्तन साफ कर लिए, ये गंगा जल या इत्र चढ़ाने के लिए हैं, इससे आप अभिषेक कर सकते हो। और ये चरणामृत के लिए हैं, इस पर भी गणपति बने हुए हैं, ये देखिए कितने सुंदर से गणपति बने हुए हैं। अभी ना सबसे पहले कान्हा जी को स्नान कराते हैं, अभिषेक करते हैं, और उसके लिए दूध घी दही शहद गंगा जल 5 चीज़ों से स्नान कराना होता है। करते हैं कुछ किचन के काम। किचन के काम सबसे पहले ना मैं एक पाक बनाने वाली हूँ, जिसे हमारे यहाँ पंजीरी भी बोलते हैं। इस बार जो मैं पाक बनाने वाली हूँ ना, उसमें गोंद भी यूज़ करूँगी, क्योंकि मैंने गोंद का पाक अभी तक ट्राई नहीं किया है। और गोंद का पाक मुझे बचपन में बहुत ज़्यादा पसंद था। मुझे याद है मम्मी ने 2-3 तरह के पाक बनाती थी, एक बनाती थी गोंद का, एक बनाती थी सारी मेवा का, और एक बनाती थी आटे का। तो जो सबसे पहले ख़त्म होता था वो होता था गोंद का पाक, क्योंकि मेरा फेवरेट था और मैं पता डिब्बे में छोड़ती नहीं थी। और ये गोंद पाक की जो रेसिपी है मैंने दीदी से सीखी है, क्योंकि दीदी ने मम्मी से सीखी है, और दीदी को बहुत अच्छे से बनानी आती है, वो हर साल कृष्ण जन्माष्टमी पर बनाती है, तो मैंने उसी से सीखी है।
इसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा कढ़ाई में देसी घी, और उसके बाद मैंने सबसे पहले मखाने ले लिए थे और मखानों को मैंने रोस्ट कर लिया था घी के साथ, और इसे अच्छे से 4-5 मिनट लगाकर आपको रोस्ट कर लेना है जब तक इसमें अच्छा सा क्रंच ना आ जाए, कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मखानों को परात में निकाल कर मैंने साइड कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा घी फिर से कढ़ाई में डाल रही हूँ और अब मैं मींग भूनने वाली हूँ। ये है खरबूजे के बीज, और मींगे भी बोलते हैं हमारे यहाँ, 100 ग्राम के करीब थी ये। इनको भी अच्छे से भून लिया है मैंने देसी घी में। इनको भूनते समय प्लेट या ढक्कन अपने आसपास रखिएगा, वरना ये मींगे पूरे किचन में डांस करती हुई घूमेंगी क्योंकि ये उछलती बहुत हैं। तो मैंने इनको ढककर ऐसे तरीके से भून लिया था और अब निकाल के साइड कर लिया है। अब मैंने फिर से घी लिया है और अब मैं इसके अंदर भूनने वाली हूँ गोंद। तो गोंद मैंने यहाँ पर 100 ग्राम के करीब मैं खरीद के लाई थी, जिसमें मुझे 50 ग्राम से 60 ग्राम ही काम आई होगी। और गोंद को मैंने अच्छे से टाइम लगाकर धीमी आंच पर, घी तो गर्म था लेकिन आंच मैंने धीमी रखी थी, और मैंने इसे 2 मिनट या 3 मिनट के करीब भुना है जब तक ये सफ़ेद ना हो जाए। ऐसे देख रहे हैं ना, सफ़ेद सफ़ेद बॉल बन गई हैं, बिल्कुल ऐसे ही कर देना है आपको इन्हें। ऐसा करने से गोंद जो है वो मुंह में, दांतों में भी नीचे पकती है जब आप पंजीरी खाओगे। तो यहाँ पर देसी घी में मैंने चिरौंजी को भी भून लिया है, साथ में मैं बादाम भी भूनूंगी, थोड़े से काजू, थोड़ी मेवा मैं ज़्यादा सी भून रही हूँ इस वजह से, क्योंकि मैं इन मेवा को और जगह भी भोग के प्रसाद में यूज़ करने वाली हूँ, जैसे कि चरणामृत है और खीर है, उनमें भी मैं डालती हूँ ये। तो बस यहाँ पर सारी मेवा भूनकर तैयार हो चुकी हैं। जो गोंद मैंने भूनकर तैयार करी थी उसको मैंने थोड़ा इमामदस्ते में डालकर थोड़ा थोड़ा करके कूट लिया है, और थोड़ा सा कूटना इसलिए ज़रूरी है वरना ये मोटे मोटे से आएंगे मुंह में, तो कूटा हुआ होता है तो थोड़ा सा अच्छे से पंजीरी जम के आती है और टेस्ट भी अच्छा आता है गोंद का। तो बस इस तरीके से सारा गोंद को मैंने तैयार करके साइड कर लिया था। अब मैं बाकी की चीज़ें भी तैयार कर रही हूँ। मैंने एक कटोरी का मेज़रमेंट ले लिया था, जो भी आप कटोरी लें उसी के हिसाब से मेज़रमेंट बना लें। उसमें थोड़ी सी मैंने खरबूजे के बीज डाले, थोड़ी मैंने चिरौंजी डाली, फिर मैंने मिक्सी जार में थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम लेके उन्हें पीस लिया था, इसका दरदरा सा पाउडर बना लिया था, वो भी मैंने इसी के साथ मिक्स कर दिया है खरबूजे के बीज के साथ। और उसके बाद मैंने एक कटोरी के करीब सूखा नारियल या गोला, जो भी बोले आप, उसको मैंने ग्रेट कर लिया था, ये भी एक कटोरी के लगभग ले लिया है। यहाँ पर मखानों को भी मैंने मिक्सी जार में एक बार चला लिया था और ये इस तरीके से बन के तैयार हो गए थे। ये भी मैं एक कटोरी के करीब निकाल कर साइड कर रही हूँ गोंद की पंजीरी बनाने के लिए। बाकी जो बचे हुए हैं वो मैं खीर और चरणामृत में डाल दूंगी। और इस तरीके से मेरी सारी तैयारी हो चुकी है। यहाँ पर है खरबूजे के बीज, चिरौंजी और काजू और बादाम का पाउडर, इसके साथ मेरे पास नारियल है कद्दूकस किया हुआ, और साथ में मैंने ले लिया है मखाने, और यहाँ पर है गोंद। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई। अब मैंने यहाँ पर एक बड़ी सी थाली ले ली है, ये नई थाली है जो मैं लेकर आई थी, इसके किनारे बड़े अच्छे थे, इस पर मैंने देसी घी अच्छे से लगा लिया है चारों तरफ, और अब हम इसमें पंजीरी जमाएंगे। तो मेवा पाक की तो सारी तैयारी मैंने यहाँ पे कर ली, ग्रीस भी कर ली थाली को। अब मैं तैयार कर रही हूँ चाशनी। चाशनी बनाने के लिए मैं एक कटोरी शुगर लूंगी, और अगर आप एक कटोरी शुगर ले रहे हैं तो उसका आधा कटोरी आपको पानी डालना है। तो एक कटोरी शुगर ली है मैंने और उसमें आधा कटोरी अब मैं पानी डालने वाली हूँ। जो भी कटोरी आप ले रहे हो उसका आधा कटोरी ही आपको पानी डालना है, ना ज़्यादा ना कम, क्योंकि इससे चाशनी ख़राब भी बन सकती है और आपकी जो पंजीरी है वो अच्छे से जुड़ नहीं पाएगी। इसको अच्छे से मिक्स होने दीजिए जब तक पानी के साथ चीनी अच्छे से मिक्स ना हो जाए। इसमें थोड़ी सी मैंने इलायची के दाने डाल दिए थे खुशबू के लिए, और फिर इसको थोड़ा तेज गैस करके मैंने थोड़ा उबलने के लिए छोड़ दिया था। फिर इसमें झाग आने लगे इस तरीके से, जैसे आप अभी नोटिस कर पा रहे हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें देसी घी भी डाला, थोड़ा शाइन अच्छी आती है देसी घी डालने से पंजीरी में, तो इसलिए मैंने इसमें देसी घी डाला था आधा टीस्पून के करीब, और उसको अच्छे से मिक्स करके फिर चेक कर लिया था। एक तार की चाशनी बनानी है बेसिकली आपको, और जब वो बन जाए तो एक एक करके सारी मेवा इसके साथ मिलाते जाना है। जल्दी जल्दी आपको करना होगा क्योंकि अगर चाशनी जमनी स्टार्ट हो गई कढ़ाई में तो फिर यहीं पे पंजीरी जम जाएगी। तो आपको सारी मेवाओं को अच्छे से मिक्स करके, जिस भी थाली में आपने घी लगाया है एक कटोरी में भी घी लगा के तैयार रखिएगा, वो पंजीरी को दबाने के लिए काम में आएगा। तो यहाँ पर सारी मेवा मैंने मिक्स कर ली है इस तरीके से। अगर आपको यहाँ पर लग रहा है कि लिक्विडी हो रहा है और मेवा जो है कम पड़ रही है, तो मेवा थोड़ी सी और यहाँ बढ़ा सकते हो तो पंजीरी अच्छे से जम जाएगी। और यहाँ पर जो थाल था उसमें मैंने ये धीरे धीरे करके डालना स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद मैंने इसे कटोरी की हेल्प से जिसमें लगाया हुआ था उससे भी प्रेस करके इसे छोड़ दिया। और जब ये पंजीरी थोड़ी सी ठंडी हो जाए, हवा में थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा, आधी ठंडी के करीब हो, तब आप इसको कट करके रख सकते हो। ऐसा करने से थाली में से पंजीरी को निकालना, शेप देना आसान हो जाता है।
सबसे पहले मेवा पाक जमा दी और अब मैं बना रही हूँ चाय। सुबह से चाय नहीं पी है, साथ में कुटू की पकौड़ी बन रही है यहाँ पर व्रत वाली। जो भी आज खाना बनेगा उसका सबसे पहला भोग भगवान श्री कृष्ण को लगेगा, तो ये कुटू की पकौड़ियाँ भी भोग में लगेंगी। लंच टाइम हो गया उनका भी। शाम का टाइम अभी बज रहे हैं शाम के 6, तो मैं सोच रही हूँ अब खाने का भी तैयारी कर लेती हूँ। क्यों, यहाँ पर मैंने अरबी ऑलरेडी बॉईल करके रख ली है। अरबी की सब्जी बनेगी खाने में भगवान जी के भोग के लिए। कशिश को मिस कर रही हूँ मैं आज, क्योंकि कशिश होती है तो उसे बहुत पसंद आते हैं कसार और खास तौर से खीर, मखाने वाली उसकी फेवरेट है। लेकिन जाने से पहले मैंने उसे खीर बना के खिला दी थी। क्या बात है, आप तो अभी से तैयार हो गए। अभी से तैयार हो गए और क्या, येलो और ग्रीन कितना सही मैच कर रहे हैं। अरे हाँ, तुम उल्टे खड़े हो। प्रशांत तो मुझसे पहले रेडी हो गए, मैं तो शाम को तैयार होंगी। पहले कान्हा जी को तैयार करूंगी, फिर मैं अपनी साड़ी पहनूंगी। काम है ना। हाँ, अभी झांकी लगानी है। हाँ, अभी भगवान जी का मंदिर सेट करना है, झांकी लगानी है। तो मैंने कहा रीमा मैं जल्दी जल्दी ना तुम्हारी भी हेल्प कर देता हूँ। अच्छा लग रहा है आपका कुर्ता, मैंने कटवाया था, ठीक आया। वैसे बाजू पहले लंबी थी इसकी, बाजू भी लंबी थी। अरे लो आटे का प्रसाद लग गया। सब कुछ थोड़ा थोड़ा बना रही हूँ। थोड़े थोड़ा बना रहा, कशिश होती है। हाँ तो एक से भले दो हो जाते हो तुम। एक से भले दो हो जाते हैं। खाना जी से यही प्रेयर करते हैं हम सब लोग कि भगवान ऐसे ही हर साल हमारा त्योहार बनता रहे खुशी खुशी, और आप सबका भी बनता रहे खूब सारी धूमधाम के साथ, खुशियों के साथ। तो ये बन रहा है कसार, इधर बन रही है खीर, और इधर मैं बना रही हूँ चरणामृत। और सारी मेवाएं मैंने एक साथ पहले से ही कर ली थी, फ्राई करके मैंने एक साथ रख लिए भून के देसी घी में, और ये मखाने भी मैंने भून के रख लिए थे। ये रीमा की स्पेशल खीर है गाइस, और ये मोस्ट अवेटेड है। जो जो खाता है ना, खा चुका है इसको, सब लोग कहते हैं भैया हमें तो रीमा की यही वाली खीर खानी है। तो अरबी की सब्जी प्रशांत को बहुत पसंद है। फॉर अ चेंज आज मैं घर के प्रसाद में अरबी बनाने वाली हूँ, और वो भी व्रत वाली, आप अरबी बोल सकते हैं, पूजा में बनाने वाली बिना प्याज लहसुन वाली। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तेल लिया, उसमें अजवाइन डाली, इसके बाद धनिया पाउडर डाला 2 टीस्पून, उसके बाद रेड चिली पाउडर डाला, मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी, हल्दी डाल दी इसके साथ, और यहाँ पर मैंने जो मसाले थे वो अच्छे से मिक्स कर लिए। और उसके बाद इसमें जो उबली हुई अरबी थी उसको मैंने ना ज़्यादा नहीं उबाला था, बस 1 या 2 विसिल लगा कर ही मैंने उबाला था। छिलका उतार कर उसे इस तरीके से कट कर लिया था, मसाले के साथ मैंने लगा लिपटा कर दिया। 2 मैंने इसमें बड़ी बड़ी हरी मिर्च डाल दी, यहाँ पर मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल दिया, ये मैं सेंधा नमक ही डाल रही हूँ, ऊपर से मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया, और इसको अच्छे से भून लेना है। और अब ना क्या करना है, इसकी भुनाई करनी है। तो बस अब इसे अलट पलट करते हुए मैंने 5-7 मिनट आराम से भूना था। और आप चाहो तो इसके ऊपर पुदीना डाल सकते हो, सूखा धनिया पत्ती डाल सकते हो, कसूरी मेथी डाल सकते हो, जो भी आपको ऊपर ड्रेसिंग करनी है वो कर दीजिए। और इस तरीके से आपकी अरबी व्रत वाली तैयार हो गई, जिसमें थोड़ा सा मैंने नींबू भी डाला था। यहाँ पर व्रत वाली भिंडी भी बनाकर मैंने तैयार कर ली है। तो अब लगाते हैं झांकी, और झांकी लगाने के लिए मैंने ना इस बार कशिश की ये टेबल है, कंप्यूटर टेबल जो उसके रूम में रहती थी वो मैंने ले आई हूँ यहाँ पर, और ये वाला जो पलंग यहाँ पे था वो यहाँ पे खिसका के साइड में कर दिया है। हमेशा जब भी घर में बड़ी पूजा होती है तो ऐसे ही करा जाता है, इस पलंग को साइड कर दिया जाता है, और फिर यहाँ पर पूजा हम लगाते हैं। एक दुपट्टा ले लिया है मैंने, ये बनारसी वाला, और इसको मैं टेबल के ऊपर लगा रही हूँ इस तरीके से, तो पूरा टेबल का लुक अच्छे से आएगा। थोड़ा पीछे ले लो हल्का सा, ऊपर है जयपुरी प्रिंट का दुपट्टा और नीचे है बनारसी दुपट्टा। इसमें ना हम वो करेंगे, अभी फूल वगैरह लगाएंगे, अभी झांकी बनेगी।
तो इस तरीके से धीरे धीरे करके हम लोगों ने झांकी लगानी स्टार्ट करी, उनका सिंहासन रखा, झूला रखा बराबर में, और फ्रूट्स रखे, 5 तरह के फ्रूट्स थे इसमें, और ये उर्ली रख दी, इसमें थोड़ी फूल पत्तियाँ डाल के, इसको भी पानी डाल के इसमें दिए वगैरह जला सकते हैं आप। और ये है कान्हा जी की बर्थडे ड्रेस जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसमें मोती का नगों का काम हो रहा है तो बहुत ही सुंदर है। इसका कलर भी लाइट ग्रीन कलर का है। इसकी जो पगड़ी थी वो मैचिंग की मैंने ली थी, साथ में मुरली भी ले ली। यहाँ पर प्रशांत थोड़ा सा पंडाल स्टाइल में कर रहे हैं, ज़्यादा तो हमने लोगों ने वॉल पे कीले वगैरह नहीं लगाए क्योंकि उससे वॉल ख़राब हो जाती हैं, और अभी रिसेंटली हम लोगों ने पेंट वगैरह भी कराया है। तो इस तरीके से कान्हा जी को हम लोगों ने रेडी कर दिया और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। आई एम श्योर हर घर में कान्हा जी बेहद सुंदर लग रहे होंगे आज, क्योंकि है ही दिन आज उनका खास बर्थडे का दिन है, सभी लोग उनकी बर्थडे की सेलिब्रेशन में लगे हुए हैं, सब ने एक से एक खूबसूरत कपड़े पहनाए हैं उन्हें, तो क्यों नहीं सुंदर लगेंगे। तो इस तरीके से हमारे कान्हा जी भी तैयार हो गए हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने उन्हें फूलों की माला पहना दी थी, और इसके बाद मैं चली गई थी रेडी होने के लिए, क्योंकि हमारा पूरा मंदिर वगैरह सारा पंडाल झांकी सब तैयार हो गई थी। सिंपल सी रखी थी लेकिन बहुत ही प्यारी लग रही थी। फेरी लाइट भी लगा ली हम लोगों ने, फेरी लाइट से थोड़ा अच्छा लुक आ रहा है। यहाँ पे मैं भी तैयार हो गई हूँ कान्हा जी की बर्थडे में शामिल होने के लिए, बस अब झुमकी पहननी बाकी है। बाकी मैंने ये साड़ी पहनी है अपनी मैरून कलर की, और इसके साथ मैं पहनने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत सी झुमकियाँ। ये देखिए कितनी प्यारी सी झुमकियाँ हैं, तो मैं इन्हें पेयर अप करने वाली हूँ। मैं फटाफट तैयार हुई हूँ, पता है आपको 15 मिनट में, बस मुश्किल से 15 मिनट भी इसलिए लग गए, वरना तो 10 मिनट में होती कि साड़ी जो पहननी थी। वैसे साड़ी ये ना बहुत हल्की है, इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगा। वाह ये झुमकियाँ तो बड़ी प्यारी लग रही हैं। और ये ब्लाउज जो मैंने इसके साथ पेयर अप किया है ना, ये सीक्वेंस का ब्लाउज इसी साड़ी के साथ मिला था। तो ये हो गया मेरा आज का लुक कान्हा जी की बर्थडे पार्टी के लिए। इसका गला पीछे से वी शेप है, और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कट भी दिया था। प्रसाद तैयार हो चुका है, बस पूरियां तलनी बाकी है। यहाँ पर भोग की थाली लगा रही हूँ मैं कान्हा जी के, जो जो सामान आज सुबह से लेके रात तक बना है ना, सब भोग का सामान है। बहुत सारा सामान बना लिया तुमने, पूरी थाली बना ली। लास्ट ईयर भी तुमने थाली बनाया था। हाँ, हर बार ही बनाते हैं। हर बार बनाते हैं। सही लग रहा है तुम्हारे ये साड़ी और ड्रेस जो है तुम्हारा, पहले का बना हुआ है या अभी बनवाया था? ये फेस्टिवल्स के लिए काफी कपड़े तैयार कराए थे, वो अलग बात है, अभी यूज नहीं हो पाए। कोई बात नहीं, हो जाएंगे, अभी तो दिवाली भी है। और ये मैंने पहले से ही फेस्टिवल की तैयारी कर लेती हूँ ना हर साल, तो इस साल भी की थी। सारे कपड़े मैंने लास्ट मोमेंट के लिए नहीं छोड़े, क्योंकि वो लोग टेलर बहुत चक्कर कटवाते हैं। मैं जल्दी जल्दी से बताओ थाली में क्या क्या है। तो कृष्ण जन्माष्टमी में भगवान श्री कृष्ण के भोग के लिए बना है ये सब। और भोग की थाली में सबसे पहले मैं मीठे से शुरुआत करती हूँ, जैसे कि हमारे यहाँ बनती है मखाने की खीर, ये है काजू बर्फी, यहाँ पर है गोंद की कतली या पाक आप कुछ भी बोल सकते हो, और ये है कूटू की पकौड़ी,
बूंदी का रायता खाने में, और आलू टमाटर की सब्जी है, भिंडी है और क्रिस्पी अरबी भी है साथ में। यहाँ पर पूरी है और साथ में है ये साबूदाने का पापड़। इसके अलावा हमारे यहाँ प्रसाद में दो चीज़ें और लगती हैं जो कि थाली में नहीं आ पाई, एक है कसार और दूसरा है चरणामृत। ये सब भगवान जी के लिए, भगवान जी के खाने के बाद हम भी खाएंगे? बिल्कुल सब खाएंगे, क्योंकि हम इस भोग के प्रसाद को सारे खाने में मिक्स कर देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब कान्हा जी को आई है झूला झुलाने की बारी। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। कान्हा जी को आज झूले पे नहीं बैठना था, ऐसा हाँ, बड़ी मुश्किल से बैठे हैं झूले पे। उनका झूला छोटा लग रहा है, मुझे लग रहा है अगली बार हम लोग दूसरा झूला लेके आएंगे, अगली बार उनके लिए बड़ा वाला ले आएंगे। झूला ना झूले जब तक मन नहीं मानता ना। हाँ। तो घर की पूजा पाठ भी हो गई, भगवान जी को भोग भी लग गया और मन कर रहा है इस्कॉन जाने का, क्योंकि हम लोग जाते हैं, अच्छा लगता है इस्कॉन जाना। और हाँ मैं बता दूं कि हमारे यहाँ जन्म नहीं होता है। जो लोग मफिन कितना प्यार मफिन खेलने आया मेरे साथ, सुबह से खेली नहीं हूँ ना मैं आज इससे, बिल्कुल भी नहीं खेली सुबह से, थोड़ा सा समय ही नहीं मिल पाया मुझे इसके साथ थोड़ा। अब देखिए कैसे रस्सी खिंचवा रहा है, इसको बड़ा पसंद है टैगोर। तो मैं आपको बता रही थी कि हमारे यहाँ ना किशन जन्म नहीं कराया जाता है। तो ये लो पकड़ो। तो हमारे यहाँ ना पूजा के बाद, भोग लगाने के बाद खाना खा सकते हैं, तो ये है। तो अब प्रशांत को भूख भी लग रही है सुबह से, उन्होंने कुछ ऐसा कुछ खास खाया भी नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ अब उनके लिए पूरियाँ निकाल देती हूँ और हम लोग भी खाना खा लेते हैं। और ये मफिन शैतानियाँ कर रहा है, नीचे से आप देखोगे ना आपको पता चलेगा कितना शैतान है, ये ऐसे खींचता है। हाँ मफिन जल्दी आ जाओ फटाफट। सार चंद ने चख लिया। हाँ मैंने तो चख लिया, तुम चख लेना, आ जाओ। तो अभी ना बज रहे 11:30, 12 बजने में आधा घंटा है अभी बाकी, और हम लोगों ने अपना खाना खा लिया, क्योंकि हम लोग 12 बजे व्रत नहीं तोड़ते हैं और ना ही हमारे घर में जन्म होता है कृष्ण जी का। तो बस इसी नियम को करते आ रहे हैं सालों साल से, तो वो तोड़ नहीं सकते। तो वैसे भी कहते हैं ना, जो घर में होता आ रहा हो वही करना चाहिए। और यही था दोस्तों आज का ब्लॉग, कैसा लगा आप लोगों को बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। और मिलते हैं एक और अच्छे से प्यारे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी।